जो रैपिड मेट्रो का जो है वो आपके धारूहेड़ा तक है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में ये रेवाड़ी से टच करता हुआ बावल तक जाए, क्योंकि ये इस इलाके की लाइफ लाइन होने वाली है। 10 साल से सत्ता भाजपा की रही, केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार और छोटी सरकार, नगर निकाय की भी आपकी सरकार रही, फिर कैप्टन अजय सिंह यादव 10 साल बाद भी दोषी क्यों है? जनप्रतिनिधि कांग्रेस का बना था, उन्होंने जो काम नहीं किया वो इलाके में रहे नहीं। मैं गांव-गांव जा रहा हूं, लोग गांव में पूछ रहा हूं कितनी बार आया, तो लोग कहते आया ही नहीं। विधायक को भी उतना ही पैसा मिला, विधायक कितनी बार गया नगर पालिका में इस चीज को रोकने के लिए, विधायक कितनी बार सड़कों पे उतरा किसी काम के लिए। लक्ष्मण यादव अगर सत्ता में आते हैं, वो विधायक चुने जाते हैं, तो बाईपास का मोड़ जो कैप्टन पर आरोप है कि उन्होंने बाईपास में मोड़ दे दिया, आप इस जनता पंचायत के सामने काठुआस के ग्रामीण खड़े हैं, ये वादा करते हैं कि उस मोड़ को हटवाने के लिए आप काम करेंगे? ये जरूर है, इस मोड़ की मरोड़ तो काटने का प्रयास करेंगे। ये चुनाव मैं ही लड़ रहा हूँ, वो दावा मेरा कायम है कि मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ। विधायक बनेगा तो सतीश खोड़ा ही बनेगा। एनजीपी हरियाणा की इस खास रिपोर्ट में हम आपको लेकर आए हैं रेवाड़ी विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार लक्ष्मण यादव की काठुवास में चल रही जनसभा में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हमारी कोशिश है अधिक से अधिक उम्मीदवारों की मोहल्ला या गांव स्तर की जनसभाओं तक आपको लेकर जाना, उनकी जनसभाओं की खास बातें भी सुनवाना और उनके विचार भी सुनवाना। दोस्तों, हमारे पहुंचने पर सतीश खोड़ा भाषण दे रहे थे, उनके बाद लक्ष्मण यादव ने अपनी बात कही। संबोधन के बाद लक्ष्मण यादव सभा स्थल पर मौजूद महिलाओं के बीच पहुंचे और उनकी समस्याएं भी सुनी। महिलाओं ने बताया कि दिल्ली जयपुर हाईवे का अंडरपास बदहाल होने के कारण उन्हें किस तरह समस्याएं झेलनी पड़ रही है। लक्ष्मण सभी की बातें तसल्ली से सुनते हैं और विधायक बनने का आशीर्वाद लेते हैं। वादा करते हैं कि अगर विधायक चुने गए तो निश्चित रूप से गांव की समस्याओं की ओर ध्यान देंगे। हमने इस मौके पर लक्ष्मण यादव से विस्तार से बात की, खोला से भी उनकी टिप्पणी ली। पहले आप दोनों को सुनेंगे, अंत में हम आपको लक्ष्मण यादव का भाषण भी सुनवाएंगे। दोस्तों, सादर अभिवादन, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। एनजेपी हरियाणा की टीम आज पहुंची है काठुवास गांव में। लक्ष्मण सिंह यादव है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जनसंपर्क पर निकले हुए हैं। हम भी सभी उम्मीदवारों के पास जा रहे हैं, उनका जनसंपर्क देख रहे हैं, कैसे वो जनसंपर्क चला रहे हैं, क्या उनके पास समस्याएं आ रही है, और हम तो तटस्थ हैं, सबके पास जाते हैं। आज आपके पास पहुंचे हैं, आपसे दो चीज़ें जाननी है। आपने राष्ट्रीय बातें की, अंतर्राष्ट्रीय बातें की, मोदी जी का काम गिनवाया, बाजरे की बात की, किसानों की बात की। हम ये जानना चाह रहे हैं आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो के हट करके लक्ष्मण यादव का क्या मैनिफेस्टो होगा रेवाड़ी के लिए, कोई 5 प्रमुख काम कि मैं रेवाड़ी के लिए ये विजन लेकर के चल रहा हूँ, ये करूँगा अगर मैं विधायक बनता हूँ, हमारी पार्टी सत्ता में आती है तीसरी बार, क्या करेंगे रेवाड़ी के लिए, बिल्कुल धरातल की बात। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है, अगर लोगों को 6 चीज़ों से रोज फोकस होना पड़ता है, उनके मूलभूत आधार जो है उन 6 चीज़ों पर टिका है, बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, सड़क पे और सुरक्षा पे। 6 चीज़ों पे हमारा फोकस वहाँ भी रहा, उन सब चीज़ों को बेसिक चीज़, क्योंकि आम गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक रोज़ व्यक्ति उन सब चीज़ों को फेस करता है, तो मुख्य तो हमारी 6 इन पे फोकस रहेगा। और विशेषकर क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, आपने देखा मेट्रो जो रैपिड मेट्रो का जो है वो आपके धारूहेड़ा तक है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में ये रेवाड़ी से टच करता हुआ बावल तक जाए, क्योंकि ये इस इलाके की लाइफ लाइन होने वाली है। तीसरा, आप सोचेंगे कि हमने दोनों बस स्टैंड बनवाने हैं, रेवाड़ी का बस स्टैंड भी और दोनों ही धारूहेड़ा का बस स्टैंड भी। आने वाले 4-5 महीने में हम उस पर काम शुरू करा देंगे। लगभग धारूहेड़ा का तो हमने 13 करोड़ रुपये सेंक्शन भी करा दिए हैं, जैसे आचार संहिता लगेगी तो हम टेंडर प्रक्रिया में उसमें जाएंगे और उसमें 3-4 महीने कम से कम लगते हैं। तो दोनों ही उसी तरह से हमने बाल कॉलेज जो हमारा घोषणा 15 में हुई थी, आज तक उसकी बिल्डिंग नहीं बनी, उसका बिल्डिंग बनाने का भी काम करेंगे। जैसे हमने जाटूछाणा में अपनी बिल्डिंग बनाई है, दोनों एक साथ हुई थी। अगर यहाँ का तगड़ा सा जनप्रतिनिधि वकील होता तो हमारी तरह से वहाँ हमने 32 करोड़ की बिल्डिंग बनाई, तो यहाँ भी बन के तैयार होती। लक्ष्मण जी, हम आपका भाषण सुन रहे हैं, आपके प्रतिद्वंदियों का भी भाषण सुन रहे हैं। आपके सामने कांग्रेस से चिरंजीव राव है, आम आदमी पार्टी से सतीश यादव है और आप हैं। जब आपका और सतीश यादव का भाषण सुनते हैं तो निशाने पर कैप्टन अजय सिंह यादव है। 10 साल से सत्ता भाजपा की रही, केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार और छोटी सरकार, नगर निकाय की भी आपकी सरकार रही, फिर कैप्टन अजय सिंह यादव 10 साल बाद भी दोषी क्यों हैं? कैप्टन अजय सिंह यादव दोषी इसलिए है,
अब जो नगर पालिका की जड़ें जो कमज़ोर करने का काम किया था, जो भ्रष्टाचार फैलाया था, वो आज भी कमज़ोर पड़ी हैं, क्योंकि आज भी वही लोग आप देखेंगे नगर निगम के चारों तरफ वही लोग घूमते रहते हैं। और दूसरा कारण ये था कि जो बीच में ब्रेक आ गया था, जनप्रतिनिधि कांग्रेस का बना था, उन्होंने जो काम नहीं किया वो इलाके में रहे नहीं। मैं गांव-गांव जा रहा हूं, लोग गांव में पूछ रहा हूं कितनी बार आया, तो लोग कहते हैं आया ही नहीं। तो इसका मतलब उन्होंने तो ये सोच लिया कि हम अपोजिशन में हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हमने भी उतना ही पैसा मिला और यहाँ के विधायक को भी उतना ही पैसा मिला। विधायक कितनी बार गया नगर पालिका में इस चीज़ को रोकने के लिए? विधायक कितनी बार सड़कों पर उतरा किसी काम के लिए? सदन में दो चार बातें ज़रूर करता था, उसमें भी टकराव करके मुर्दाबाद करके बाहर निकल जाता था। इसके लिए कोई बनाया था क्या विधायक? हम 40 बार इस दक्षिणी हरियाणा की आवाज़ बन के गूंजे हैं। मेरी सरकार होते हुए भी जो काम नहीं हुआ उसके लिए रगड़ के कराने का काम किया है। तो ये और हमने सबका साथ सबका विकास पैसा उतना ही करा, लेकिन कई बार क्या होता है कि काम करने वाला व्यक्ति भी चाहिए। क्या अगर सामने लड्डू पड़े हैं, मतलब विपक्ष का विधायक ने काम नहीं किया, निश्चित तौर पर दिख रहा है आपको। एक बात जो है, लक्ष्मण यादव अगर सत्ता में आते हैं, वो विधायक चुने जाते हैं, तो बाईपास का मोड़ जो कैप्टन पर आरोप है कि उन्होंने बाईपास में मोड़ दे दिया, आप इस जनता पंचायत के सामने काठुआस के ग्रामीण खड़े हैं, ये वादा करते हैं कि उस मोड़ को हटवाने के लिए आप काम करेंगे? देखिए, मैं वो टेक्निकल चीज़ें अब जो बनी हैं, क्योंकि 2013 के बाद जमीन, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, कैप्टन यादव की जो फैलाई बीमारी आप बता रहे हो, उनका इलाज करेंगे? मैं बीमारी फैलाए रखी है तो दुनिया जानती है, लेकिन 2013 के बाद भूमि अधिग्रहण कानून जो है बदला है। आप किसान की मर्जी के बिना एक इंच भी जगह ले नहीं सकते। उससे पहले तो 4 और 6 और 9 के नोटिस आते थे, अपने ज़मीन ले लेते थे, लेकिन वो कानून बदला है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस मोड़ की मरोड़ तो काटने का प्रयास करेंगे, मोड़ की मरोड़। अब लक्ष्मण यादव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप गाँव में जा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्याएं आपके सामने आ रही होगी, जैसे अभी महिलाएं बात कर रही थी, सामने हम काठुआस में ही देखे हैं सड़क के नीचे जो है अंडरपास जो बहुत नीचे हैं, इस तरह की लगभग हर गांव में समस्याएं हैं, दूषित पानी की निकासी कहीं भी नहीं है, इस तरह का कोई एजेंडा, कोई रोड मैप आपके मन में है जो वादा कर सकें आप ग्रामीणों से? निश्चित तौर पर ये सही बात है, आज सब जगह गलियाँ पक्की हो गई, नालियाँ पक्की हो गई, पानी भी ज़्यादा मात्रा में आया, क्योंकि हमारी सरकार ने हर घर में नल और नल में जल की व्यवस्था, तो सबके नल खुले रहते हैं। मैं तो जनता जनार्दन से आपके माध्यम से आग्रह करूँगा, अगर पानी उतना ही इस्तेमाल करें, टोटी को बंद करें, तोड़े ना, ताकि पानी ज़्यादा ये भरता है। और जो आप जिस पानी की बात कर रहे हैं, ये बारिश का पानी है, बारिश का पानी तो हर जगह भरता है, लेकिन ये तो निकल जाएगा। और ये सड़कें बहुत पुरानी बनी हुई हैं, कोई आज तो बनी नहीं, ये तो उस समय की टेक्निकल फॉल्ट रहा है। और भाई, मेरा तो फोकस जोड़ों पे ज़रूर रहेगा, जो गांव के बीच में जोड़ हैं गंदा पानी के, जो वहाँ बीमारियाँ पल रही हैं, उन पे हम वर्क करेंगे, क्योंकि हमने पोंड अथॉरिटी बनाया है, उसको हमने ये काम दे रखा है। आने वाले समय में हमारा फोकस जोड़ों पे रहेगा। एक सवाल, सतीश खोला आपकी पैरवी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, जो टिकटार्थी थे, जो बाकी टिकटार्थी है, सुनील मूसेपुर हैं, अरविंद यादव हैं, रणधीर कापड़ीवास है, वो नज़र नहीं आ रहे, मनाने में आप कामयाब नहीं हुए, वो माने नहीं, क्या चक्कर है? सारे माने हुए हैं, कौन कहता नहीं माने, सब लग रहे हैं, सारे लग रहे हैं, मदद कर रहे हैं आपकी? हाँ बिल्कुल मदद कर रहे हैं। तो कहीं आपके साथ भी नजर आएंगे आने वाले समय में? आ ही रहे हैं, आपने कहा छुपा रखा तो बता दो। अभी आप हमारे पास छुपाएंगे तो आपको बुला करके दे देंगे। आप जो इतनी बात कह रहे हैं, सौंप देंगे आपको, तो सौंप देना, फिर आप मान ही रहे तो फिर कौन है? नहीं, मैं नहीं मान रहा, मैं नहीं मान रहा। अभी आपके स्टार प्रचारक, कोई बड़ी जनसभा, किसी का प्रोग्राम तय हुआ है अभी तक? अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन गई हुई है रिपोर्टें, हम लास्ट में स्टार प्रचारक हमारे आएंगे। राविंदर जीत के कोई दौरे तय हुए हैं रेवाड़ी विधानसभा के? अभी नहीं हुए हैं, आने वाले समय में 2-4 दिन में उनके भी दौरे तय हो जाएंगे, और सब लोग स्टार प्रचारक भी आएंगे हमारे। और अभी धामी जी आने वाले हैं 1-2 दिन में, 28 तारीख को धारूहेड़ा में, और अभी बड़े नेता भी और आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी। धन्यवाद खोला जी। एक बात आपसे, कैसा चल रहा है जनसंपर्क, आप साथ जुटे हुए पहले दिन से? आज आप पूरी तरीके से देख रहे हो, भारतीय जनता पार्टी का मोमेंट है, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोग आतुर हैं, और लक्ष्मण सिंह यादव भारी बहुमत से यहाँ जीत रहे हैं। गांव, देहात, शहर, भारी कॉलोनियाँ, अंदर जितना भी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में
पूरी रेवाड़ी जनसभा विधानसभा। खोला साहब का एक वाक्य होता था पहले चुनाव से पहले कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, दाव नहीं लगा। और खोला साहब को फैसला लेने में कितना समय लगा कि मुझे भाजपा के साथ खड़ा रहना है? ये चुनाव मैं ही लड़ रहा हूँ, वो दावा मेरा कायम है कि मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ। विधायक बनेगा तो सतीश खोड़ा ही बनेगा। धन्यवाद। आपको तो पता ही, अगर दूसरे लोगों को ताकत थी तो भाई 50 साल से उनको तो ताकत दे ही रखी है, उनको बदलने का भी समय है। उनकी ताकत उनके निजी स्वार्थ में काम आएगी और या फिर आएगी हुड्डा साहब के काम, जो कल तक इस दक्षिणी हरियाणा के साथ स्वतंत्र व्यवहार नौकरियों में भी करा, पानी में भी करा, भाव में भी करा, न्याय में भी करा, तो वो स्वतंत्र व्यवहार करेगा और वो भी रोज की ताकत बढ़ेगी, दक्षिणी हरियाणा की नहीं बढ़ेगी। और रोहतक की ताकत सीधे मैडम सोनिया की ताकत बढ़ाएगी, तो इसलिए दोनों का फर्क समझ लेना। और आपने जब से भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी है, निश्चित तौर पर विश्व में आपका डंका बलता कि नहीं बलता? बलता कि नहीं बलता? आज विश्व में सम्मान बढ़ा है ना पार्टी का, क्योंकि आप एक जमाना होता था बसों में लिखा रहता था 10 साल पहले, अब कोई भी लावारिस वस्तु बम हो सकती है, जरा ताट के झाट के बैठे लिखा होता था कि नहीं? आज 10 साल से वो अक्षर में लिखा हुआ मिलता है? नहीं मिलता ना, क्योंकि जब बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुए ताज होटल में तो बोले इसमें इंक्वायरी आई तो आतंकवाद का हाथ है, और जब दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए कहने लगे इसमें आतंकवाद का हाथ है, फिर बेंगलोर में बम ब्लास्ट हुए तो बोले इसमें आतंकवाद का हाथ है, सीमा पर बम ब्लास्ट हुए तो इंक्वायरी आई तो कहने लगे इसमें आतंकवाद का हाथ है, फिर मेरी देश की जनता समझ गई अब सारी समस्याओं की जड़ ये हाथ है। और भाई जब आपने 50 साल, हम तो 5 साल का लेखा जो आपके सामने किताब के रूप में लिख गया है, अगर हमने ये कराया, ये 50 साल वाले भी हिसाब देते इन्होंने क्या कराया, 3-3 पीठ बदल गई कि नहीं? तो इन्होंने नौकरी लगाई वो भी अपने परिवार की लगाई, ताकत आपकी थी लेकिन अपने निजी स्वार्थ साधने का काम आपकी ताकत के बल पे कप्तान एंड फैमिली ने किया। करा कि नहीं करा? भाई नौकरी लगी तो उसके दामाद एचसीएस लगा, थारा के लगा, तहसीलदार लगा तो उसका भतीजा लगा, और 32 लोग ऐसे लगे जो उसके रिश्तेदारी के थे, उससे बाहर आपकी ताकत निकल नहीं पाई थी। और आज आपने देखा आपकी ताकत भारतीय जनता पार्टी को मिली, तो बिना पर्ची और बिना खर्ची के जिला रेवाड़ी के 6,000 लोगों को नौकरियां दी, 6,000 लोगों को दे सकते थे क्या? क्योंकि भाई भतीजावाद खत्म हुआ और हम भी आपको खड़े होकर कहते हैं आपकी दी हुई ताकत अपने निजी स्वार्थ में नहीं लगाएंगे, आपके लिए उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे, क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं अगर रिश्तेदारों की मदद करके सड़क भी काट देंगे तो मरोड़ नहीं, भले ही एक्सीडेंटल सड़क हो लेकिन उनके खेत से निकाली जाए। नहर भी इन्होंने काटी तो अपने सारनवास का ले गया, एक नहर अंडरग्राउंड अपने खेतों में, एक कटावली में अंडरग्राउंड ले गया, 2 नहरें काटे, उन्होंने नहरी मंत्री थे, लेकिन हमने 200 करोड़ रुपए के नहरों का निर्माण कराया है 5 साल में। कितना कराया? 200 करोड़। और पानी भी बढ़वाया जेलन में 200 क्यूसिक पानी आता था, आज 650 क्यूसिक पानी आ रहा है। महेंद्रगढ़ कैनाल का भी पानी हमने बढ़वाया, और एक ही आपका ये जो गलियारा 120 मीटर का कौन सी वास का 120 मीटर का छोड़ा रोड रेवाड़ी जाएगा, या अजीत बालाजी जोशी थे यहाँ DC लेके गए तो मैंने कहा आपकी कर्म भूमि रेवाड़ी रही है तो जमीन तो पहले से एक्वायर है, लेकिन अगर आप इसके 500 करोड़ रुपए सैंक्शन कर देंगे तो ये सड़क चौड़ी और एंट्री खुल जाएगी रेवाड़ी के भविष्य की, तो उस पर भी हमने काम चलवाया। कोविड का समय भी आपने देखा, कोई नेता नहीं था जो बाहर घूम रहा था, हम PPE किट पहन के कोविड वार्डों में भी गए और कोविड वार्डों में उनकी समस्याओं को जाना और उनका इलाज करा, रातों रात ऑक्सीजन प्लांट इसमें लगाए आपके हॉस्पिटल में, लगाए कि नहीं लगाए? पानी बढ़ाया। और भाई 40 बार विधानसभा में मैं आपकी ताकत बन के बोला हूँ, खाली कोसली के लिए नहीं पूरे दक्षिणी हरियाणा के लिए लड़ा हूँ। सैनिक भाई जानते हैं क्योंकि हमारा सैन्य इतिहास है, उस सैन्य इतिहास के बारे में मैंने जब सदन में बोला, इसलिए यादव रेजिमेंट जरूरी है, इसलिए अहिरवाल रेजिमेंट जरूरी है, उस पर भी हमने पूरी ताकत से
इसका मुकाबला किया और पहली बार हरियाणा में अगर किसी ने उठाया तो वो आपके विधायक ने उठाया। और दूसरा दूसरा आपकी फसलों का भी, बाजरा बिकता था क्या मेरे आने से पहले? बाजरा कोसली कोसली का बिका, रेवाड़ी का भी बिका। 900 रुपये बाजरा था, 1100 रुपये MSP का था, 1100 रुपये में MSP पे सरकारों ने खरीदा। हमने आते ही बाजरे की कीमत भी बढ़ी मोदी जी ने, आज 2650 रुपये है। आपका बाजरा जिसको मुर्गी नहीं खाती थी, जिसको भैंस नहीं खाती थी, जिसको आदमी ने खाना छोड़ दिया था, अब G20 में इस काठुआस का बाजरा G20 में विदेशी मुर्गों को खिलाया कि नहीं खिलाया? बताओ, खिलाया कि नहीं खिलाया? और आज दक्षिणी हरियाणा का बाजरा व्हाइट हाउस अमेरिका में व्यंजन बन रहे कि नहीं? हमने जाते ही कहा था, मैंने कहा अगर किसान की माली हालत ठीक करनी है तो बाजरे की कीमत बढ़ाओ, बाजरे में सरकार खुद खरीदे, अब वही काम कराएगा नहीं? और भाई कोई ऐसा महीना दो महीना नहीं जाता जिसमें किसान के पैसा नहीं आता, चाहे वो सब्सिडी का पैसा उसके खाते में आता हो, चाहे भावांतर का पैसा उसके खाते में आता हो, चाहे बिकवाली का पैसा उसके खाते में आता हो, चाहे इंश्योरेंस का पैसा उसके खाते में आता हो, चाहे प्रधानमंत्री का सहयोग निधि का पैसा उसके खाते में आता हो। और हमने तो भाई 16 तारीख को आचार संहिता लगी थी, उसके 4 घंटे पहले हमने काम जा रहे हैं, जनता से आशीर्वाद लेके आएंगे दोबारा, तो हमने कहा 4 घंटे में 530 करोड़ रुपए, 2000 रुपए खराब बाजरा हुआ है ना हुआ, लेकिन ठोके कि नहीं खातों में, सबको दिए कि नहीं? आपने थोड़ी मांगे थे, लेकिन हम किसान के बच्चे हैं इसलिए हमें उन चीजों का पता है। और जहाँ बाजरा खरीदा, आरक्षण की बात भी करें तो मेरे अनुसूचित जाति के भाई बहन नाराज होते हैं हमसे, लेकिन सबसे पहले हमने इनकी पदोन्नति के लिए आरक्षण में कैबिनेट में बिल पास करा, लेकिन हुड्डा साहब ने जाके रुकवाया और उन्हीं को वोट देते, बड़ी शर्म की बात है, रुकवाया उन्होंने। अरे ये तो बदला लेने का समय है, अपनी ताकत दिखाने का समय है। और भाई बैकवर्ड का भी हमने आरक्षण करा, 8% पंचायतों में भी करा, नगर पालिकाओं में भी करा, नगर निगम में भी करा, और 50% माताओं बहनों का भी 50% एजी सारी संस्थाओं में करने का काम किया, क्या नहीं किया? और भाई जब क्रीमी लेयर 6000 रुपये थी, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्लूड थी और सैलरी भी इंक्लूड थी, हमने उन दोनों चीजों को हटाया और 8 लाख उसको करते हुए उस क्रीमी लेयर को भी बढ़ाया, क्योंकि तो सारा क्षेत्र ज्यादातर बैकवर्ड में ही आता है। और मोदी जी ने 10% तो उनको भी आरक्षण किया, तो आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए। अब आप कह रहे ये बोले विधायक गाना गाता है, भजन गाता है, तो मैंने कहा भजन गाना कोई बुरी बात है? जागरण में मैंने भजन गा दिया, तो मैंने कहा भाई भजन गाना कोई बुरी बात नहीं, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी पूजा पद्धति का हिस्सा है, हमने भजन गा दिया तो क्यों? लेकिन मैंने कहा कप्तान साहब, हम तो भजन गा के अपनी संस्कृति को जागृत रख रहे हैं, लेकिन आप तो बता दो अल्लाह अकबर क्यों करते हो, अल्लाह ताला क्यों करते हो, मस्जिद में जालीदार टोपी लगा के बिरयानी क्यों खा रहे हो, तो ये तो बता दो इस जनता को। अरे वोट के लिए क्या अपने धर्म को भी भूल जाओगे? भारत माता की जय, भारत माता की जय। वोट तो आनी जानी चीज है, 5 साल में फिर मेला भरेगा। और अभी आपने देखा कैबिनेट ने फैसला किया, एक देश एक चुनाव, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। हाँ, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ। और एक खुशखबरी और भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आपने देखा अंतरराष्ट्रीय चीफ जस्टिस पहली बार भारतीय बना है, दरबारी लाल भंडारी पहली बार बना है, 193 वोट पड़े थे, क्योंकि हर देश से एक वोट पड़ता है, लेकिन 183 वोट ही भारत के पक्ष में पड़ी, तब वो बना है, 70 साल से क्यों नहीं बना? तो ये बदलाव नहीं तो क्या है? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज हर तरफ आप देखेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य करे, और बच्चे सरपंच हमसे नाराज रहे, 5 लाख रुपए की लिमिट थी, लेकिन आज हमने ही उसको 21 लाख रुपए कराया कि नहीं सरपंच आप कहाँ चले गए, कराया कि नहीं कराया? मैं तो बोलना था वहाँ पर, बोलना नहीं था, रोड काटा था, खाली बोल बोल के नहीं रह गए, हमने कट के वकालत करी थी। और भाई 16 को तो हमने नंबरदार भी रखे थे, उनको भी काट देते, 18 को
लेकिन वो 16 को आचार संहिता लगाने की लगी एक महीना पहले, न तो हमने तो नंबरदारों का भी काम कर दिया था। और भाई हम दोबारा भेज देना, सारा जरूर कर देंगे काम। तो लड़ने के लिए गए थे हम वहाँ, और मैं 40 बार मैंने इस इलाके की आवाज़ बुलंद की है, चाहे किसी तरह की भी थी, कोई 40 बार बोला हो तो बता दो। कई बार तो मेरे लोग कहने लगे आप सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, मैंने कहा मैं जनता के पक्ष में हूँ, जो जनता की मांग होगी वो बेधड़क उठाएंगे, मेरे को कोई ईडी का खतरा थोड़ी है। अगर सामने बोलो पीछे जाकर पैर दबाने लग जाओ, अब ये 50 साल ले आएंगे फिर सारे पैर पकड़ेंगे, और फिर सारे पकड़ेंगे और फिर तुम खुश हो जाओगे और फिर वही चीजें चलेंगी। वो बोला ना आपस में दो गधे बात कर रहे थे, तो बात करते करते गधा बोला यार तेरा मालिक तेरे लट बीमार है, वजन भी ढुआ हुआ है और तू फिर घर से भाग गया। बोले यार क्या करूं, जब शाम को मैं घर जाता हूं तो वो मेरे पैर की रस्सी खोल रहे, वो सोचा मेरे पैर दबा रहे थे। तो बोले उसी गलत फहमी में 50 साल निकल गए कि रात रात को आते हैं, इनसे भी जागरूक रहना है क्या। ये कहते हैं मेरे सामने आती है बात, बोले लक्ष्मण यादव इनका पैसा बहुत है, इनका मुकाबला कैसे करोगे। मैंने कहा वो कैसे, बोले ये पहले लूटते हैं फिर चंद ठेकेदारों के माध्यम से वोट खरीदने का काम करते हैं। मैंने कहा भाई वोट अगर खरीदी जाती तो इस देश के मालिक टाटा बिड़ला होते, कोई दूसरा नहीं होता। होता कि नहीं होता, एक ताऊ से वोट मांगने गए, बोले ताऊ वोट दे देना 5,000 रुपये ले। ताऊ बोले यार मुझे तो गधा ला दे, 5,000 का मैं क्या करूँगा। तो उन्हें सोचा बड़ा खुश हुआ, गधा तो आसान काम है। जब लेने गया मार्केट में तो गधे की कीमत भी 80,000 रुपये थी। फिर आया उल्टा, बोले 5,000 और लेता हूँ वोट दे देना। तो बोले मैंने तेरे छोरे कहा था ना एक गधा ला देना, मैं तो गधे के बदले दे दूंगा वोट। बोले ताऊ गधे की कीमत तो 80,000 है। तो छुट्टा बोले मेरे गधे से भी कम कीमत है क्या, मेरे देश का वोटर इतना कमजोर हो गया क्या जो पैसे में बिकेगा, और पैसे में बिकता तो चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था, बन सकता था क्या। तो ये तुम्हारी चीज है, ठीक इस्तेमाल करोगे तो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगे हमारे पूर्वजों ने ठीक समय पर ठीक फैसला लिया था, और उसी का परिणाम है आज हम सुखद एहसास कर रहे हैं। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहते हैं भारी है भारी है, तो मैं इनको कहता हूँ भी भारी कैसे हूँ। और वो लोग लक्षण लगा रहे जो 40 साल पहले मैं रेवाड़ी आया तो वो पैदा भी नहीं हुए। लगता है आपको भारी हूँ, नहीं लगता ना, नहीं वो पता नहीं कैसे कह रहे, लेकिन मैं तो यही कह रहा हूँ अगर आपका आशीर्वाद मिला तो मैं इन सब से भारी हूँ। भारी लक्ष्मण यादव, लक्ष्मण यादव, नरेंद्र मोदी, रामिंदर जी, भारतीय जनता पार्टी, लक्ष्मण यादव भारी है। मैं कप्तान साहब से पूछना चाहता हूँ, सारण वर्ष तो बावल हल्के में था 2009 से पहले, तो भी आप भी तो भारी नहीं थे, और 4 महीने पहले राज बब्बर आया था वो तेरी बुआ का छोरा था, एड्रेस बता दे कहीं है तो किसी के पास। और मैंने कहा तू ताकत भी बाहर वालों को देता है जो षड्यंत्र इस देश के खिलाफ करते हैं, ये कह रहे संविधान की रक्षा करेंगे, 4 महीने पहले आए थे ना, बोले ये आरक्षण खत्म कर देंगे, ये खुद अमेरिका में बैठ के क्या कह रहे हैं, बोले हम आरक्षण को खत्म करेंगे। ऐसे ही उनका साहब कहते हम आरक्षण को खत्म करेंगे, अरे मैंने कहा 4 महीने पहले सारी भाषा को छोड़ दी, अब कोई नया तीर चलाने आए हो क्या जनता, इतने बावड़े लोग अब नहीं रह गए, सबको जानते ही पब्लिक है जानते। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो सम्मान छुट्टे जितनी इन लोगों ने पगड़ी पहनाई है उनका तो मैं धन्यवाद करूंगा ही, उनको भी पता है पगड़ी की कीमत क्या होती है, लेकिन बंधवाने वाला भी भरी पंचायत में वादा दे के जाता है तुम्हारी आन बान शान की पगड़ी को कभी कम नहीं होने दूंगा, इसका सम्मान बढ़ा। और दूसरा मैं तो भाई गांव को राम मानता हूँ, मानता हूँ कि नहीं, गांव को राम मानता हूँ, और बस राम का सबसे बड़ा सेवक या तो हनुमान हुए या लक्ष्मण हुआ। सारी 5 साल फोटो करूंगा, 5 साल सारी सेवा करूंगा, 5 तारीख तक तुम मेरी मदद कर दो, और अच्छे तरह से बटन दबा देना। और भाई ये तो टकाटकर खटाखट तो खत्म हो गई, पिछले चुनाव में जो वादा करके गए थे हुआ था क्या कुछ, लेकिन कमल का बटन खटाखट जरूर दबा देना, ये मेहरबानी कर देना। अंत में आप सबका धन्यवाद करते हुए और मैं कहता हूँ 5 तारीख तक जागरूक रहना, ये फिर वो कहते ना
अगर सीता हरण करने आएंगे, सोने का मृग दिखाएंगे और आपके हरण करते हुए तो ये सीता रूपी आपकी बोट को चुराने का प्रयास करेंगे। और किसने चुराई थी वो भी देख लेना, मैं नाम तो लूंगा अभी, तो उनका भी चौकीदार आपने करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।